केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर सकता है। परिणाम जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE भी टर्म 2 के परिणामों की घोषणा जल्द करेगा। CISCE के छात्र cisce.org पर अपना परिणाम देख सकते हैं। CISCE कक्षा 10वीं के परिणाम इस सप्ताह घोषित होने की संभावना है, जबकि CBSE कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के परिणाम जुलाई के अंत में जारी किए जाएंगे। CBSE बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर 36 लाख छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों बोर्ड ने साल 2021-22 की परीक्षा को दो टर्म में आयोजित की थी। पहले सत्र में परीक्षा परिणाम पहले ही आ चुके हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के CBSE और CISCE उम्मीदवारों के लिए दूसरे सत्र के परीक्षा परिणाम का इंतजार है। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज शाम तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद साइट क्रैश होने पर या इंटरनेट की सुविधा न होने पर छात्र SMS के माध्यम से भी अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकेंगे। छात्रों को उनके लिए अपने पंजीकृत नंबर से बोर्ड द्वारा टोल फ्री नंबर पर SMS करना होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के मैसेज बॉक्स में जाएं, अब CBSE 10 या CBSE 12 टाइप कर स्पेस दें और रोल नंबर दर्ज कर 5676750 पर भेज दें। टेक्स्ट के तौर पर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस बार 26 अप्रैल से 24 मई 2022 तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून 2022 तक निर्धारित थी। हालांकि अब छात्रों के रिजल्ट के अनुसार खत्म होने वाला है। बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में 34 लाख से भी अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कैसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। छात्र सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। अब होम पेज पर दिखाई दे रहे 10वीं या 12वीं के रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहां मांगी जा रही जानकारी जैसे अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें और फिर सबमिट करें। अब आपका परिणाम आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। आगे की जरूरत के लिए परिणाम को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट कर ले। बीते साल की तरह इस बार भी CBSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम डिजी लॉकर ऐप पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके अलावा छात्र डिजी लॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाकर भी अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।